रेवाड़ी में एक बैंक खाते से 2.5 करोड़ रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन हो गया, जबकि खाता धारक को पता तक नहीं चला। उसके पास जब ट्रांजैक्शन से संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने लगे तो उसे मालूम हुआ। इसके बाद लगातार शिकायतें की, लेकिन बैंक अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बैंक अधिकारियों पर मॉडल टाउन थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव आसलवास निवासी रोहतास ने अपनी पत्नी मल्लिक के नाम वर्ष 2009 में ICICI बैंक ब्रांच ब्रास मार्केट में अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था। उस वक्त उनकी जमीन HSIDC द्वारा अधिग्रहण की गई थी, जिसकी वजह से बैंक ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों के खाते खोले थे। उन्होंने खाता खुलवाने के बाद सिर्फ 5,000 रुपए की ही खाते में ट्रांजैक्शन हुई थी, इसके अलावा कभी कोई ट्रांजैक्शन तक नहीं हुई। 72 साल की मल्ली देवी ने बताया कि वह खुद अनपढ़ है। 15 सितंबर 2022 को उनके पति रोहतास की मौत हो चुकी। वर्ष 2010 से 2015 के बीच उनके खाते से करीब 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। शिकायतकर्ता ने मराठम थाना पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच में जुटी। क्या नाम है जी आपका? कौर सिंह नाम है सर। कौन सा काम है? असलवास है। ये जो 2.5 करोड़ की बात आ रही है, क्या पूरा मसला है ये सर? मसला क्या, ये जब जमीन एक बार होती तो हर बैंक वाले गांव-गांव में आके खाते खोल रहे थे, तो इधर से मारा मम्मी पापा का वो अपना डॉक्यूमेंट ले गए और उन्होंने वो खाता खोल दिया ICICI बैंक ने। आप हमारा पिताजी एक्सपायर हो गया, हमारी मम्मी बोलती है कि वो खाता तो तेरा पापा का खुलवाया हुआ था, घर से जेन्युइन खाता है वो, लेकिन सर उसमें 2.5-3 करोड़ का लेन देन कर रखा, वो हमारा पैसा नहीं है, ना हमने डाला एक भी ना हमने निकाला। हमारा पिताजी 2012 में एक्सपायर हो गया था, उसके बाद 2015 तक उसमें लेन देन चलता रहा। हमारे पास ना मिली इसकी, हमें 2013-14 के अंदर हमारे पास नोटिस आया इनकम टैक्स का गुड़गांव से, तो हम उधर अपना डॉक्यूमेंट लेके हम अपना जमा करेंगे जी, हमारा कुछ नहीं है इस बैंक से। हमारा जो खाता है यूनियन बैंक में था, हमारे पिताजी का खाता भी यूनियन बैंक में था, जो हमारा जो भी लेन देन हमारी जमीन एक बार हुई थी वो यूनियन बैंक में आया था हमारा पैसा। इस खाते में हमने ना तो 1 रुपया किया ना हमने निकाला। जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला, शिकायत किसके पास किया? हमने कोर्ट में जाके मैंने अपने वकील CA से, पहले तो CA से बोला था भाई देखो क्या है नूल भाई, तो वकील करना पड़ेगा, तो मैंने वकील के पास गया। मैंने वकील कर रखा है गड्डी बोलने का ओम प्रकाश, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट है उसने भाई। नहीं, पुलिस को भी शिकायत दी होगी? हाँ, पुलिस को दी थी ना, ये अपने सेक्टर 3 में चौकी में मैं बार बार गया था सर, उसने नंबर पर कल आना, फिर 2-3 दिन बाद में आना, फिर बोलता है भाई ये तो कोर्ट केस कर दो, ये तो इधर तो नहीं बनेगा काम। मुझे क्या बात है, मैं तो गरीब आदमी गाड़ी चलाता हूँ, बार बार जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया साहब। अब इसके बाद कहाँ शिकायत दी आपने? अब हम वकील के थ्रू हमने वकील कर दिया भाई, तू देखा मैं तो गाड़ी चलाता हूँ गरीब आदमी हूँ, आप अपने तरीके से करो क्या होता है सोल्यूशन। हमें मारा पैसा एक भी पैसा नहीं इस खाते में, जो ICICI बैंक में जो भी लेन देन हुए 2.5-3 करोड़ का। अब मुकदमा दर्ज हो गया इसमें? अब कल मैं तो अब गाड़ी पर से आया हूँ सर, मैं तो मेरा भाई ने जो भी किया है वो भाई ने किया है, वो आ जाता है शाम को। किस तरह की परेशानी आ रही है? बाकी बताया जा रहा है कि दूसरे खाते भी आपके बंद कर। परेशानी आ रही सर, हमारे जो हमारी मम्मी का खाता है यूनियन बैंक में वो भी क्लोज कर दिया उन्होंने, अभी 1-2 महीने से क्लोज कर दिया। जब जो भी हम 1-2 हजार कहीं से किराया आते हैं उधर वो मम्मी खाते में होता है, वो तो क्लोज कर दिया उन्होंने। घर में परेशानी आ रही? परेशानी आ रही सर, अब गरीब आदमी खाते से अपने 1,000-2,000 मम्मी लेकर आती थी वो अपने। किसको दोषी मानते हैं इस तमाम चीज़ों में? बैंक को मानता हूँ सर, क्योंकि वो उधर 20 लाख रुपया बोलता है तुमने 20 लाख रुपया। ये मल्ली ही वाइफ ऑफ रोहतास गांव आसलवास, इन्होंने एक शिकायत दी थी कि भाई जब आसलवास गांव की जमीन अधिग्रहित हुई थी उस समय ICICI बैंक के कर्मियों ने वहाँ गाँव में जाकर एक अकाउंट ओपन किए थे लोगों के, उसी सिक्वेंस में इन्होंने भी अकाउंट ओपन करवाया था। उसके बाद इस बैंक खाते में उन्होंने कोई लेन देन नहीं किया था। जो इसके पति की डेथ होगी 2012 में, उसकी डेथ के बाद इस अकाउंट से 2 से 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, कैश जमा विड्रॉल किए गए हैं। और जब इनको ये मामला जब पता लग गया है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनके पास नोटिस आया है,
तो कंप्लेंट की जांच की और जांच की में जो प्राथमिक जांच है उसमें जो लगाए गए आरोप है वो ठीक पाए गए, जिसके अकॉर्डिंग हमने धोखाधड़ी का केस लॉन्च किया है। फिलहाल तो जो उस समय का जो ICICI बैंक का जो स्टाफ है उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं और उसी बात को ध्यान में रखकर हम तब्तीश को आगे बढ़ाएंगे।